से निकल गए। मैंने शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर श्रावण के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को श्रावण के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। बाबा से विनय निवेदन, उसके चरणों का स्मरण। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ नियम ऐसा लो जो सज जाए। नियम ऐसा, कभी ऐसा नियम मत लेना जो ना सज हो। नियम कौन सा लिया जाए? सावन के महीने में आप ही नियम लो, हमें मना नहीं, पर नियम वो लेना जो तुम साज सको। कई कई माताएं अपने बच्चे को कसम दिला देती, मेरी सोगन खा तो सुबह 6 बजे उठ जाएगा। अब कसम तो दिला दी ने, 6 बजे एक दिन तो उठ गया न बाकी का दिन, तो क्या मतलब ऐसा नियम दिलाने से? तो नियम होना चाहिए। तो कहा क्या नियम लिया जाए? तो पत्नी बोली देखो अन्न का भाग मिले घर में ना मिले, एक काम करो तुम तो बेलपत्री का नियम ले लो कि अपन 108 बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे, बस इतना। हाँ ठीक है, अब बहुत पैसे वाले हो गए ना तो तुम्हारे यहाँ कोई बेलपत्री तोड़ के भी दे जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा दे जाएगा। धीरे 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 बेलपत्र का नियम लिया, एक वृक्ष से बेलपत्र लेकर आते और उस बेलपत्र को लाकर शिव जी को चढ़ा देते। निकलते निकलते कम से कम 25 दिन निकल गए, नियम पूरा चलता रहा। 26वां दिन आ गया, नियम पूरा चलता रहा। 27वां दिन आ गया, श्रावण के महीने का 27वां जब दिन आया तब माली ने बेलपत्र तो उतार ली, जो बेलपत्र के वृक्ष का माली था, वृक्ष का जो माली होता है उसने चिल्ला दिया, hey, बेलपत्र अब मत ले जाना, फिरी की मिल रही है तोड़ तोड़ के ले जा रहा, अब मत ले जाना बिल्कुल भी नहीं, कीमत दीजिए उसकी। पूरे विश्व में भारत की धरा पर देश विदेश में पिछली कथा में कहा था 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव मनाना, हजारों लाखों वृक्ष सबको लगाना। और आप जो बेलपत्री का पौधा लगा रहे हैं इसका फल कितना है वो ध्यान करना। एक बेलपत्री का पौधा यदि लगा रहे हो 24 घंटे बेलपत्री का वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है, 24 घंटे हर पल हर घड़ी ऑक्सीजन देता, रात में भी दिन में भी। और बेलपत्री का पत्ता अगर टूटेगा, टूट कर कहीं जाएगा तो कहां जाएगा? शंकर के चरणों में, शिव के ऊपर। और बेलपत्री का फल अगर टूटा, उसमें से कुछ भाग निकला, तो बेलपत्री के फल में वो आनंद है कि बेलपत्री का बीले का गुर्दा किसी के मुख में चले जाता है तो कई रात्रि तक उसके हृदय में चित्त में शिव समाया रहता है, और अगर वो मर भी गया तो शंकर के धाम चले जाता है। बेलपत्री के फल में वो आनंद छुपा हुआ। महाराज एक नियम बनाया उन्होंने, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री की पत्ती को तोड़ते शिव जी को ले जाके समर्पित करते। अब 27 दिन हो गए, चिल्ला दिया माली ने, कहा इसका पैसा दीजिए, अगर आपको तोड़ना है तो पैसा देना पड़ेगा।
अब इसके पास धन होता तो अन्न का भाग नहीं कर लेता, 108 अन्न के दाने नहीं चढ़ा देता, पर है ही नहीं, कुछ हो तो चढ़ाए नहीं। 28वां बगीचे के मालिक ने मना कर दिया, बगीचे का मालिक मना कर देता है नहीं। अब 28वां दोनों बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जा रहे हैं, और बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जाते जाते आंख में अश्रु भरे हैं। बेलपत्री के वृक्ष को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, शंभु शंकर। शंभु का मतलब क्या है? ये शंभु जो है ना, ये संबोधन बदला गया, नहीं तो स्वयंभू था, शिव स्वयंभू, अपन कहते शिव शंभू, संबोधन है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है अपने आप प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया और ना मरेगा, वो स्वयंभू है, स्वयं प्रगटा है। कृपा दया कर, 28वां दिन है, 28, 29, 30 तीन दिन की बात है, बाबा बेलपत्री नहीं मिल रही। बाबा की कृपा देखिए, जो नियम बनवाता है वही नियम को पूरा करवाता है, नियम को पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एकादशी का व्रत आपने उठाया, पर वो व्रत करवाएगा कौन? भगवान। सोमवार बनाओ नियम, बना लिया नियम बेलपत्री का, भी ये तीन दिन बचे, अब क्या करें? जा रहे थे, जाते जाते इतने में स्वयं एक छोटा सा बालक बेलपत्री की पत्तियों को अपनी झोली में भर कर लाया, और बालक कहता है, माँ ओ माँ ले ओ, ये बेलपत्री, आप रोज मंदिर जाती हो ना, मैंने आपको देखा था मंदिर जाते हुए, आप बेलपत्र चढ़ाती हो ना, मैंने आपको देखा था, मैंने मन में सोचा एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, पर मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती ना, इसलिए मैं बेलपत्र आपको दे देता हूं, आप ये बेलपत्र शिव को समर्पित करो। आप ये बेलपत्र शंकर, आंख में से जल बह रहा, कहते हैं बेलपत्री को पानी में क्या धोया, अश्रु में धो दिया, जैसे सुदामा के चरण को भगवान कृष्ण अपने नयन अश्रु में धो देते हैं। ये दोनों वैश्य, दोनों बनिए पति पत्नी, बेलपत्री को अश्रु में धोते धोते शिव जी के धाम में ले जाकर समर्पित कर देते। नियम पूरा, कौन पूरा करा रहा? भगवान। समय आया, दूसरा दिन फिर आ गया, 29वां दिन था, दो दिन और बचे थे। शंकर जी को लगा क्या करा जाए, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती आज तुझे जाना चाहिए, कल गणेश गया था, आज तू जा, ये अपने परिवार की जवाबदारी है, जब कोई अपना व्यक्ति अपने घर में आता है तो उसको निभाना अपना फर्ज है। आपके घर में कोई आएगा तो गद्दा कौन लगाएगा? आपको लगाना है। तकिया किसको देना है? आपको देना है। चादर किसको देना है? आपको देना है। कम्बल किसको देना है? आपको देना है। भोजन किसको कराना है? आपको कराना है। अगर कोई अपने मंदिर में आ रहा है और बेलपत्री का उसका नियम है तो नियम कराए, तो उसको निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। भाई चार मेहमानों में से तीन तो रोटी खा रहे और एक व्यक्ति की एकादशी का व्रत है, वो नहीं खा रहा, तो खिचड़ी कौन बनाएगा? अरे बोलो तो जम के, कोई दूसरा बनाएगा कि पड़ोसन को फोन लगा के बोलोगे, देखो हमारे यहाँ तो भैया हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ मेहमान में भूख लगी है और इसका व्रत है तो तुम कहीं पे भी जाके खा, पर हम खिचड़ी, फर्ज तो अपना है ना, अपने यहाँ आया है तो खिचड़ी भी अपने को बनाना पड़ेगी। भाई बनाओ खिचड़ी, बहुओं से कहो खिचड़ी बनाओ, एक का व्रत है। उसी तरह भगवान, नियम तुमने लिया है, व्रत तुम्हारा कर रहा है, तो निभाना उसको पड़ेगा। जाओ पार्वती, पार्वती बोली मैं कहाँ जाऊँ, बेलपत्री दो, जाओ बेलपत्री दो। पार्वती जी बोली, बेलपत्री मैं और वृक्ष से उतारूंगी तो मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और ध्यान दीजिए इस कथा पर, हो सकता है आज कथा का प्रथम दिन और बाबा ने ये कथा आप सबके लिए निकाली है, तो उसको धारण करिएगा कि बेलपत्री की अगर मैं वृक्ष से उतारती हूं तो दुख मुझे होगा, ये पार्वती जी कहती है।
शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता उमा खंड भी कहता है, आप एक बेलपत्री का वृक्ष लगाओ और लगाने के बाद उसको पूर्ण तरह से पोषित करो, खाद डालो, पानी डालो, उसको पूर्ण तरह से बड़ा करो, तो तुम किसी पेड़ की बेलपत्री तोड़कर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार करेगा। मालूम पड़े पेड़ एक नहीं लगाया और सारे गांव की बेलपत्री तोड़ तोड़ के शंकर को चढ़ाई, और के मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, तो शंकर बोले तेरे बराबर कोई ढोंगी भी नहीं। शिव भी कहेगा तुम्हारे बराबर कौन है ढोंगी, कौन प्रपंची, एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगाया, एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया और श्रावण के महीने में सारे गांव की बेलपत्री तोड़ तोड़ के शंकर जी को चढ़ाया और एक बेलपत्री को कभी पोषित नहीं करा और उल्टा गया और मालूम पड़े बेलपत्री की इतनी बड़ी बड़ी डालियां सब तोड़ तोड़ के ले आया, सारी तोड़ ले आया और उसमें पत्ती पत्ती निकाल के डालियों को बाहर पटक दिया। अरे दोष है, एक वृक्ष नहीं लगाया और सारी पत्तियां तोड़ तोड़ के हर महीने श्रावण का पूरा महीना चढ़ा चढ़ा के शंकर को प्रसन्न कर रहे, और एक दो तो कह के हमने तो पैसे से खरीद ली, हमने 50 रुपए दिया ना मालिक, हमने कहा 108 गिन के लाना, वो तो 108 गिन के लाया, ने 50 रुपए लिए, तो जिसने लिया वो भी दोषी। माली ने कौन सा पेड़ लगाया कहीं जाके बेलपत्री का, ये फूल का लगाएंगे तो बिकेगा या पत्ती कौन सी बिके, शंकर जी के तो फ्री का आइटम चढ़े, बाकी के सब देवता उनके अच्छा जोरदार गिफ्ट का आइटम, इनके तो फ्री का आइटम, बेलपत्री देखो तो फ्री में मिल जाए, पानी देखो तो फ्री में मिल जाए, धतूरा देखो तो फ्री में मिल जाए, उन्हें कौन ले जाए, वो कांटा के धतूरे के घर में ले जाके रखे, सब फ्री में, आंकड़े का फूल देखो तो फ्री में, समी का पत्ता देखो तो फ्री में, मैं कौन कांटे का पेड़ घर में ले जाए, तो सब फ्री का आइटम, और उनके साथ जो रहे वो भी फ्री, कहीं पर भी मिल जाए, बारिश चले तो वो तो फ्री, बस इनके जिसने देख लिया वो फ्री नहीं ले पाता। एक बार ग्राउंड में अगर देख लिया नहीं बब्बा फ्री, तो फिर तुम फ्री नहीं घूम सकते, उधर मत जाना, क्यों, शंकर जी का फ्री बाबा भाई, वही अगर वो दिख गया तो तुम फ्री नहीं हो पाओ। बड़ा शिव, शिव बड़ा अलमस्त है, शंकर बड़ा आनंदित है, बड़ा मस्त है शिव, ओ घड़ी है वो। ओघड़ी है, अब जाओ पार्वती, तुम जाओ। पार्वती जी बोली मैं तोड़ूंगी बेलपत्र, उतारूंगी, मुझे दोष लगेगा, श्रेष्ठता नहीं होगी मेरी, मैं कैसे जाऊं। शिव बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप जाओ बेलपत्र, ऐसा हो तो मेरी ही उतार कर चढ़ा जाओ, जाओ उठाओ और देखा रहा। पार्वती जी ने जो कल बेलपत्र चढ़ाई थी वही पार्वती उठा के लिए धोखे वापिस चढ़ दे दी। पार्वती जी ने बुढ़िया का रूप रखा, बूढ़ी का रूप रखकर एक जगह पर पार्वती जी सुंदर वस्त्र पहनकर बैठ गई और जाते जाते पथिकों को रोक रही हैं, पार्वती जी रोक रही हैं पथिकों को, ए भैया रुको, ए भैया रुको, श्रावण का महीना चल रहा है, बेलपत्र ले जा। पर कोई बेलपत्र लेने को तैयार नहीं, कोई नहीं ले रहा। ये दोनों जा रहे थे, इन्होंने कहा माँ क्या बात है, माँ कहती है मेरे पाँव में तकलीफ है, मैं जा नहीं सकती, ये बेलपत्र आप ले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई महाकाल जा रहा है, कोई सोमेश्वर जा रहा है, कोई मल्लिकार्जुन जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई विश्वनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर 12 ज्योतिर्लिंग में जा रहा है, आप खुद नहीं जा सकते, कुछ भेज नहीं सकते, तो एक बेलपत्र को ओम नमः शिवाय लिखकर एक कॉपी में कोई रजिस्टर में उसको रख कर सीधी की सीधी उस कॉपी को ओम नमः शिवाय लिखकर शंकर के पास भेज दो, कह देना ये बेलपत्र निकाल कर शिव को चढ़ा देना। हमारे के पास में पार्वती जी ने दिया, ये लेकर चले, पार्वती जी ने जो दिया था वो शंकर जी को समर्पित करा, नियम इन्होंने लिया था पूरा शिव जी ने किया। 30वां दिन बेलपत्री नहीं मिली, सावन आने दो, बेलपत्री के वृक्षों में पत्तियां मिलना बंद हो जाती है, बहुत सारे लोग धर्मात्मा इकट्ठे हो जाते हैं। निवेदन है उतनी ही तोड़ना वृक्ष से जितनी आपने लगाई हो, जितनी आपने लगाई। अरे सीधा सीधा बात है भाई,
फल उतना ही मिलता है। वो कहे ना, अब तीसवा दिन शिव जी का नाम लेकर घर से निकल गए, वृक्ष पर से पत्ती आने नहीं है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, गणेश जी चले गए, मैं भी चली गई, कार्तिकेय रुष्ट होके श्री सेलम में बैठे, अब तुम ही बचे हो। बहुत अच्छा परिवार है शंकर पार्वती का, इनके जैसा परिवार दुनिया में किसी का नहीं होगा। गले में सांप, बैठे नंदी पे, बाजू में कार्तिकेय के मोर, पार्वती बैठी शेर पे, गणेश जी चूहे पे, सब एक दूसरे के दुश्मन। उसके बाद भी कितनी शांति से आराम से रह गए कि तुम तो जब फ्री हो जाओ घर से, लोटा भर के पानी लिया, चढ़ा के चले जाओ। शंकर जी अलमस्त बैठे, पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी कि इन्हीं पे चढ़ाना, हमारे कपड़े गीले करके मत जाओ। कितना मस्त परिवार, उनके जैसा कोई परिवार अलमस्त है। इतनी मस्त परिवार कौन का होगा भाई, कहा लक्ष्मी स्वयं पार्वती जी शंकर जी से बोली, देखो प्रभु, गणेश जी हो आए बेलपत्री दिया, पार्वती हो आई बेलपत्री दिया, कार्तिक रुष्ट होकर सेलम पर बैठे, बारी तुम्हारी है। शंकर भगवान बोले, अब हमारी बारी है तो हम ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और अंत में जब पूर्ण तरह से परास्त हो गए, हार गए, वो वैश्य, वो बनिया और बनिया की पत्नी, वो सेठ और सेठानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अंत में जब हार गए, तब शंकर उस समय पर जैसे ही पहुंचे, एक बंदर का रूप लेकर, एक हनुमान का स्वरूप बनाकर, एक बानर का स्वरूप बनाकर, क्योंकि शिव हनुमान है और हनुमान ही शिव है, एक बंदर का रूप रखकर, एक हनुमान का स्वरूप धारण करकर, जैसे आप पीछे दर्शन कर रहे होगे, हनुमान जी महाराज दूध की धार लगा रहे हैं इस शिवलिंग के ऊपर, वैसा ही एक बानर, एक छोटा सा बानर, एक हनुमान का स्वरूप धारण करकर कूद पड़ा पेड़ से नीचे, कूद पड़ा एक वृक्ष से नीचे। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुध भो। अब वो बालक स्वयं शिव बंदर का रूप रखकर, बानर का रूप रखकर कूद पड़े, और बानर के हाथ में क्या था तो कहा, बेलपत्री की एक डाली थी, और डाली ले आके इनके सामने छोड़ दी। छोड़ी तो इन्होंने देखा कि बेलपत्र मिल गई। आज भी पूरा अनुष्ठान पूरा हो गया, नियम पूरा हो गया, अनुष्ठान पूरा, नियम पूरा, होना चाहिए। जो बानर ने फेंकी थी, लेकर गए उसकी पत्तियां निकालकर शंकर को समर्पित किया, शिव को छोड़ा, शंकर को दिया गया शंभू। आंख से अश्रु बह रहे थे,